चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं हम रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी। ये मैंने राजमा उड़द रात को भिगो दिए थे, अभी इन्हें हम अच्छे से मल मल के धो लेंगे, क्योंकि दाल का जो ये काला रंग होता है ये हमें निकालना होता है और इसी से दाल का फिर अच्छा कलर आता है। हम सोचते हैं रेस्टोरेंट वाले दूध डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो दाल को अच्छे से धोते हैं कई बार और बिल्कुल साफ पानी आ जाता है, तब उस दाल को वो हल्की आँच पर कढ़ाते हैं। देखिए कितना काला काला पानी निकला है। अब मैं इस दाल को उबलने रखती हूँ। ये मैंने डाले तेज़पत्ता, ये दालचीनी, ये बड़ी इलायची और ये लौंग। अब मैं ये दाल को उबलने रख दूँगी। इसे हमें तेज़ आंच पे नहीं उबालना है, एक मीडियम फ्लेम पे एक सीटी देने के बाद हम इसको हल्की हल्की आंच पे रख देंगे और कम से कम 8-10 सीटी आएंगी उस पर और तब हम इसको पकाएंगे। और पानी कोई ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, दाल को बस उतना, दाल से इतना सा ऊपर आ जाए, जैसे चावल बनाते हैं हम, बस इतना ऊपर आ जाए, इतना पानी डालना है। चलिए अब दाल उबलती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब हमारी ये दाल देखिए कितनी अच्छे से उबल गई है, आपको दिख रही होगी लाल लाल हो गई है। मैंने 5-6 सीटी मीडियम फ्लेम पर दी थी और उसके बाद मैंने इसको 15 मिनट तक हल्की गैस पर कढ़ाया है। ये देखिए हमारी दाल, अब हम इसकी तड़का लगाने की तैयारी करते हैं सर्व करने के लिए। थोड़ा सा तेल, आप कहेंगे दाल मखनी में तेल, दाल मखनी में तेल कि मक्खन जले ना, इस वजह से डाल रही हूँ दाल मखनी में तेल। और मैं मसाले तो घी में ही फ्राई करूँगी और फिर मैं मक्खन ऊपर से डालूँगी इसमें, ये मेरा अपना स्टाइल है। और ये देखिए, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक पीस लिए हैं और ये टमाटर, मैंने 2 टमाटर की और अदरक और हरी मिर्च की प्यूरी बना ली है। अब हम अपनी दाल को तड़का लगाएंगे। जीरा, जीरे को अच्छे से क्रैकल होने देना है, तभी अपनी पूरी फ्लेवर छोड़ता है, वैसे नहीं छोड़ता। और साथ में डाल दूंगी इसमें 1 पिंच हींग। जीरा भुनने की खुशबू आने लगी है, अब मैं इसमें डालूंगी ये प्याज, प्याज भून रहा है हल्का हल्का पिंक से आपको नजर आ रहा होगा, होने लगा है। प्याज का मॉइस्चर खत्म होगा तो हम इसमें टमाटर डालेंगे। अक्सर हम सब लोग इसी तरह से पहले दाल को उबाल लेते हैं और फिर फ्राई करते हैं, बनाते हैं, लेकिन मेरा अपना ढंग मैं बताऊं आपको, जो मैं आमतौर पे बनाती हूं अपने घर में, मैं दाल को भिगोया, सारे मसाले पीसे इकट्ठे, जो भी मेरे को टमाटर प्याज अदरक हरी मिर्च और जो बेसिक मसाले होते हैं वो डालने होते हैं, और घी डाल के मैं दाल को उबलने में ही सब चीज़ें डाल के रख देती हूँ। और जब वो धीरे धीरे कड़ के लाल होती है ना, उसमें आपको प्याज भूनने की ज़रूरत ना कुछ, बहुत अच्छे से कड़ जाती है दाल, देखने में भी बड़ी सुंदर लगती है। सारा घी हम जैसे मसाले भून के ऊपर करते हैं, ऐसे उसमें भी सारा घी ऊपर आ जाता है और फिर इसमें मक्खन डाल के क्रीम डाल के खाइए, बड़ा ही टेस्ट आता है। लेकिन ज़्यादातर मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा प्याज में भी छोड़ना शुरू कर दिया है, इस टेस्ट पे हम इसमें डालेंगे हल्दी। आपने देखा होगा मैंने दाल में उबलने में हल्दी नमक कुछ नहीं डाला था। ये देखिए हल्दी डाल के भूनेंगे और अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर
और अदरक हरी मिर्च की पेस्ट अपनी। और जैसे ही हम टमाटर डालेंगे, हमें इसमें डालना नमक। हमने दाल में नमक नहीं डाला, तो जितनी क्वांटिटी आपको डालनी है अपनी दाल के हिसाब से, मैंने उबालने में दाल को नमक नहीं डाला है, आपको जितनी क्वांटिटी डालनी है उस हिसाब से, जैसी आपकी दाल हो उस हिसाब से डालिए इसे। और अब हम इसे अच्छे से ढक के पकाएंगे, जो हमारे प्याज टमाटर और अच्छे से भुन जाए। ऐसे ढक के पकाएंगे जिससे हमारे प्याज टमाटर अच्छे से भुन जाए। प्याज भुनते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब ये मेरे टमाटर भुन गए हैं, ये देखिए आपको दिखा होगा, भुन छोड़ दिया इन्होंने। अब इसमें मैं डालूंगी ये एक चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, ये देखिए। बाकी मैं इसमें अभी कोई मसाला नहीं मिला रही हूँ। देखिए, कश्मीरी लाल मिर्च तेज़ नहीं होती हैं, इनका रंग अच्छा आता है, इसलिए डाली जाती हैं। और अब ये देखिए, मैं ये अपनी दाल इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ सारी। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। स्टेज पे हम इसमें जो हमें मसाले डालने हैं, बेसिक मसाले डाले जाते हैं, वो डालूंगी। ये 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और 1/2 चम्मच ही मैं इसमें डालूंगी सौंठ पाउडर। ये दाल मखनी में बहुत ज़रूरी होता है। और इसे मिला के हम अच्छे से पकने देंगे। और ये मैंने कसूरी मेथी तवे पे रोस्ट कर ली है, और उसको भी डाल दूंगी मैं। मसाले हमने, आपने देखा होगा, जो हमने प्याज टमाटर फ्राई करे हैं उसमें नहीं डाले, जो भी चीज़ डाली हमने इसमें अलग से डाली है। दाल डालने के बाद इससे बहुत अच्छी फ्लेवर आती है सब चीज़ों की। ये मैं मक्खन डालूंगी इसमें, मक्खन फिर जब सर्व करेंगे तब भी डालेंगे। और मैं ये थोड़ा सा ये मक्खन पकने में डाल रही हूँ, बाकी हम जब सर्व करेंगे तब डालेंगे। हमारी दाल कितनी अच्छी से कड़ी हुई है, देखिए। पहले लोग पतीली में बनाते थे तो दाल को हल्की आंच पे, रात को ही जो अंगीठी में आंच बचती थी उसी पे रख देते थे, और सुबह तक वो कड़क के लाल हो जाती थी। लेकिन अब तो लोग कुकर में बनाते हैं, गैस पे इतना टाइम कोई चीज़ रख नहीं सकते हैं, तो उसका यही सोल्यूशन है कि आप इसे रात को भिगोएं, और फिर दिन में इसे जब आप बनाएं तो पहले इसको मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 सीटी दें, और फिर कुकर को बिल्कुल ठंडा होने दें, अपने आप से स्टीम निकालें इसकी। और जब वो कुकर ठंडा हो जाए तो आप उसके बाद उसमें हल्की आंच पे रख के उसे 10 से 15 मिनट तक कढ़ाएंगे। देखिए, मैंने ऐसे ही करा है, ये देखिए मेरी दाल कितनी कड़ी हुई बनी है, बिल्कुल लाल हो रही है। और भिगोने से ये होता है, उसे आप 1-2 पानी में धोएंगे तो दाल का जो कालापन होता है वो भी निकल जाता है। इसके दो फायदे हो जाते हैं कि दाल में जो कालिश होती है वो भी निकल जाती है। अब ये जरा पक जाए, मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मेरी ये दाल कितने अच्छे से पकी है। अब मैं इसमें ये डालूँगी हरा धनिया, ये क्रीम मैंने अपने घर की मलाई से ही निकाली है। मलाई को छान के, जो दूध पे मलाई आती है उसको मैंने छलनी में छान लिया, तो ये बिल्कुल स्मूथ हो गई। ये देखिए ये कितनी अच्छी क्रीम है।
ये मैं अपनी हर रेसिपी में घर की मलाई की ही बना के क्रीम डालती हूँ। देखिए कितनी अच्छी हमारी दाल बनी है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आपने बना के ट्राई करी तो आपको ये रिज़ल्ट कैसा मिला। थैंक यू।